हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर दोस्तों आपकी विधवा पेंशन, इन तीनों की दोस्तों जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। जिन लोगों का जो पेमेंट है वो रुक गया था, वो दोस्तों अब अपना जो पेमेंट है आसानी से देख पाएंगे। आज की वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जिनका पेमेंट रुक गया था वह पेमेंट अब किस बैंक अकाउंट में आया है और कितना आया है और किस डेट में पड़ा है पैसा। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लगातार अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और इसके बाद आपको, अगर आपकी वृद्धा पेंशन है तो आपको वृद्धा पेंशन टाइप करना है, विधवा है तो विधवा टाइप करना है, और इसके अलावा अगर आपकी विकलांग है तो आपको विकलांग टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक पेंशनर सूची का ऑप्शन। दोस्तों, पेंशनर सूची में आपको 2023 और 24 को सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जनपद को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी जनपद है। इसके बाद आपको क्या करना है, जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा अपना ब्लॉक यानी कि विकासखंड। तो विकासखंड में आपको अपना जो है विकासखंड को चूज कर लेना है एंड विकासखंड को चूज करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी जो ग्राम पंचायत है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अपना नगर निकाय यानी कि दोस्तों आपका टाउन एरिया जो है वो सेलेक्ट करना होता है, लेकिन अगर आप गांव से हैं तो आपको विकासखंड ही चूज करना है। इसके बाद आपको अपनी जो है ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर ग्राम पंचायत है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है 5 गांव आते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हैं तो आपको अपने गांव के सामने जो कुल पेंशन का ऑप्शन दिया है उसके सामने एक नंबर दिया होगा, जैसे यहां पर दिया है बारी बारी से, उस नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि ये क्वार्टर नंबर फर्स्ट का पेमेंट है जो कि दोस्तों कुछ लोगों का होल्ड हो गया था किसी भी रीज़न कारण, लेकिन अब दोस्तों जो पेमेंट है उनका आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अपने ग्राम के सामने ही जो नंबर दिए हैं उन पर आपको क्लिक कर लेना है। मैं दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ग्राम पंचायत की सारी के सारे लोगों की लिस्ट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। यहाँ से दोस्तों आप चेकआउट कर पाएंगे कि आपके ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं उनके सारे के सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले दोस्तों इस लिस्ट में जो है 41 नाम थे, बट दोस्तों अब यहाँ पर 44 नाम हो चुके हैं। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, 41 लोगों का पेमेंट आया था पहले, लेकिन अब 3 लोगों का पेमेंट और बढ़ गया है यहाँ पर, जिससे दोस्तों उन 3 लोगों का जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना दोस्तों जो नाम है जो रुक गया था पेमेंट, वो नाम आपको यहाँ पर देख लेना है। अब नाम देखने के बाद उसके सामने ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि दोस्तों मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर ब्लर कर दिया है, बट आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा सही तरीके से। तो आपको यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको इसके सामने ही मिलेगा इस तरीके से पेमेंट रिलीज का ऑप्शन। तो पेमेंट रिलीज में आपको मिलेगा, आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है, कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो अब आपको पता नहीं है कि आपका आधार कार्ड से लिंक कौन सा बैंक खाता है जिसमें आपकी पेमेंट गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐप की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है, वृद्धा पेंशन ऐप। जैसे आप टाइप करेंगे वृद्धा पेंशन ऐप, उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले इस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन वाले बटन पर क्लिक करना है। ओपन करेंगे तो ये ऐप जो है आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन होकर दिखाई दे जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, जैसे ही ऐप जो है ओपन होकर आ जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड वगैरह का जो है प्रॉब्लम आएगा, बट आपको यहाँ पर दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर मिलेगा पेमेंट एंड स्टेटस। तो आपको यहाँ पर पेमेंट एंड स्टेटस वाले बटन पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर पेमेंट एंड स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, पेंशन के आवेदन एवं भुगतान की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन आवेदन की 12 अंकों की जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसको अंकित करें। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने जो अपने आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसे कॉपी किया था, नोट किया था, वही रजिस्ट्रेशन संख्या को इस वाले बॉक्स में फिल करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो ये जिस तरीके से ऐड आ रहा है इसके जस्ट नीचे ही एक यहाँ पर सबमिट का बटन होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ऐड है यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, बट आप अपना जो मोबाइल है पोर्ट्रेट मोड में करेंगे सीधे में, ये भी दोस्तों लैंडस्केप मोड
मोड में हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, और सबमिट वाले बटन पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कर देना है फिल। तो मैं यहाँ पर पहले सबमिट कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको सारा प्रोसेस स्क्रीन पर लाइव दिखाने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करते हैं तो आपके सामने प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो आपका जो है स्टेटस आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, सामने आपके लाइव प्रूफ यहाँ पर जो है हमारा स्टेटस है ओपन होने वाला है। आपका भी दोस्तों कुछ इस तरीके से ये स्टेटस जो है ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों इनका जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है 17/8/2023 को, यानी कि अगस्त में इनका फॉर्म जो है वेरीफाई हो चुका है। पहले इनके फॉर्म में दोस्तों रीवेरीफिकेशन डेट नहीं आई थी, अब आ चुकी है यहाँ पर। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे इनकी जो पेमेंट है वो दोस्तों ये भी रिलीज़ हो चुकी है। इनकी पेमेंट होल्ड हो गई थी दोस्तों, इनका PFMS जो है एक्सेप्टेड नहीं था, बट यहाँ पर अभी एक्सेप्टेड हो चुका है। आधार कार्ड उन्होंने दोस्तों अपने बैंक में KYC वगैरह को DBT को इनेबल करवा लिया है। अब दोस्तों इनकी जो पेमेंट है कहाँ पर आई है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम क्वार्टर में पेमेंट 3000 रुपये पेमेंट, रिलीज डेट 23/8/2023, यानी कि 23 तारीख को इनकी जो क्वार्टर वन की पेमेंट है 2023 और 2024 की वो इनके खाते में अब रिलीज हो चुकी है। और जो खाता है इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खाता दोस्तों मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने वैसे ही ब्लर कर रखा है। आप अपना खाता यहाँ पर देख सकते हैं और खाते का FSC कोड, खाते का नंबर, कहीं से खाते में गई है, सारा कुछ यहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। तो इसके दोस्तों ये जाहिर हो जाता है, ये पक्का पता लग जाता है कि आपके किस खाते में कौन सी डेट में गई है। तो आप जब भी अपने खाते में अपना पैसा चेक कराने जाएंगे तो आप वहाँ से अपनी जो है पेमेंट निकाल लाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ होंगे इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये आपको किस प्रकार से अपनी पेमेंट को चेक करना है। पेमेंट होल्ड हो गया है तो दोस्तों उसे कैसे आपको देखना है, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।